मतदान किए हैं, माहौल तो बहुत अच्छा है। जीत के प्रति तो 100% है जी। अब जहाँ तक मार्जिन का सवाल है तो मार्जिन भी बढ़ेगा ही पिछले बार से। ओवरब्रिज तो मुद्दा है ही, जितना बड़ा बड़ा योजना है इस इलाके के लिए, सिर्फ शहर नहीं, इस कोसी इलाके के लिए। पहले तो आज़ादी के 63 बरस तक यहाँ बड़ी रेल लाइन नहीं आई थी, तो 2-4 10 बरस में 63 बरस तो बड़ी रेल लाइन यहाँ ला के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए। इस कोसी इलाके में 1 इंच भी नेशनल हाईवे नहीं था, कई नेशनल हाईवे का निर्माण स्वीकृत हुआ और उसका निर्माण भी हुआ। अभी लोकसभा की बात कीजिएगा तो 1 सहरसा में और 6 मधेपुरा में जो रेल रोड ओवरब्रिज है जिस बंगाली बाजार में है, इसका निर्माण हो रहा है। लेकिन बंगाली बाजार का जो रेल रोड ओवरब्रिज था, इसकी स्वीकृति बस 1997-98 में हुई थी, जब आदरणीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे और हम सांसद पहली बार हुए। लेकिन कभी कभी होता है कुछ चीज़ में कि ग्रहण जब लगने लगता है तो लंबा समय खींचता है, उसमें कई तरह की अड़चन आई, उसको दूर करते हुए अंतिम मुकाम पर पहुंचाए कि फिर उसमें जमीन अधिग्रहण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 करोड़ रुपया दिया, क्योंकि भारत सरकार कहता था कि हम जमीन अधिग्रहण का पैसा नहीं देंगे, जबकि देता है सब जगह, लेकिन यहाँ नहीं तैयार हुआ। तो 104 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जमीन अधिग्रहण के लिए दिया, उसका टेंडर निकला, तो लोग चले गए जो प्रभावित होते उससे अधिग्रहण में, हाईकोर्ट गए, और जब टेंडर निकला तो हाईकोर्ट उस पर कंटेम्प्ट कर दिया कि जब हाईकोर्ट में मामला था तब टेंडर क्यों निकाले। जब हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट में मामला जब निष्पादन होगा फिर इसको देखेंगे। प्रतिद्वंदी कह रहे हैं मधेपुरा की तस्वीर बदलेगी, जरूर स्वागत है बदलने, तकलीफ तो इसमें दिक्कत क्या है, उनके पिताजी भी प्रतिनिधित्व किए थे इस इलाके में, कोसी के इलाके में क्या बदलाव हुआ और हमारे समय में क्या बदलाव हुआ, जनता बखूब बोली पर टैक्स नहीं लगता और फ्री है, लोग कुछ बोल रहे। अभी बिहार सरकार में या किसी सरकार में, बिहार सरकार में एक भी कोई पद सृजन होगा, चपरासी का ही पद क्यों नहीं, उसमें तो देखा जाता है कि अभी जो इसकी नियुक्ति करेंगे इसके सैलरी पर रिटायरमेंट तक कितना खर्चा होगा, इसके पेंशन पर कितना खर्चा होगा, तो वह संचिका जब मुख्यमंत्री का आदेश मिल जाता है, संचिका बढ़ती वित्त विभाग से होके वित्त विभाग देता है कि हाँ इससे प्रभावित नहीं होगा खजाना, तब जाता है, तब मेमोरेंडम बन के, तब पद सृजन के लिए कैबिनेट से उसकी स्वीकृति होती। मुख्यमंत्री बिहार के थे क्या, 5 विभाग उनके जिम्मे में था, बड़ा बड़ा विभाग, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, ये सारा विभाग उनके पास में था, उसमें एक भी नियुक्ति किए होंगे तो बता दें। शिक्षा